अजमेर के नसीराबाद में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। लॉकडाउन के चलते बाजार बंद और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन असवाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने हालातों का यहां पर जायजा लिया। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील इस दौरान उनके द्वारा की गई। कोरोना वायरल के जो दुष्प्रभाव के कारण हमारे प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भारत बंद का अपने राजस्थान बंद का जो रखा गया है, इसमें नसीराबाद पूरी तरह से सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। किसी भी तरह से मार्केट खुला हुआ नहीं है। सब तरह से कुछ आवश्यक चीज़ों को देखते हुए उन दुकानों के लिए, जैसे दवाई वगैरह है और भी खाद्य सामग्री वगैरह, ऐसी दुकानें ही चल रही है, बाकी सब बंद है। और बाहर से भी जो इस नसीराबाद में ज़्यादातर ये ट्रक ड्राइवर्स वगैरह आते हैं, तो इनकी देख रेख के लिए भी हमने जगह जगह पटवारी और गिरदावरों को स्थापित कर दिया है कि वो जो भी आए वो अपनी जांच कराने के बाद ही घर जाए। कोरोना वायरल को लेकर नसीराबाद शहर पूरी तरह से बंद है। जहाँ जिस जगह अभी हम खड़े हैं वो मुख्य बाजार है नसीराबाद का, और यहाँ पर एक भी दुकान, एक भी प्रतिष्ठान या किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी सड़क पे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है, और उपखंड प्रशासन सहित तहसील के कार्यालय के कर्मचारी और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो चप्पे चप्पे पे तैनात हैं और अपनी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, कोई आपत्ति ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर के वो उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। अगर कोई मेडिकल डिपार्टमेंट का आदमी है तो वो मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो उनको तुरंत चिकित्सा व्यवस्थाएं मुहैया भी करा रहे हैं। यहाँ अभी पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर ने भी पूरे बाजार का दौरा किया था, और उन्होंने भी आम लोगों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग दें और साथ दें, और बंद को पूरी तरह से जब तक आगामी आगे आदेश नहीं आते जब तक वह बंद को सफल बनाए रखें। कैमरा पर्सन जितेंद्र बालोद के साथ जावेद खान, A1 TV, अजमेर नसीराबाद।